हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मुलजिम की जमानत लेता है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना होता है, और जमानत ले लेने के बाद यदि अभियुक्त अर्थात आरोपी अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, या यूं कह लेते हैं कि जमानत ले लेने के बाद वो गायब हो जाता है, कोर्ट जब ट्रायल पोजीशन पे होती है, जब ट्रायल चलने लगता है तो वो अपीयर नहीं होता है, तो जमानतदारों का क्या दायित्व तो है और जमानतदारों को क्या दिक्कत हो सकती है, इन सब प्रश्नों का आज हम अपने इस वीडियो में आपको उत्तर देने वाले हैं। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए, अगर कोई भी आरोपी अभियुक्त किसी भी मुकदमे में जेल में है, किसी भी धारा में जेल में है, तो उसकी जमानत हो जाने के बाद जमानतदार लगते हैं, और उन्हीं जमानतदारों के सिक्योरिटी अर्थात शपथ पत्र देने के बाद उसकी रिहाई बनती है। अब बात कर लेते हैं, जो जमानतदार होते हैं उन्हें एक शपथ पत्र देना होता है अर्थात एफिडेविट देना होता है कि हम इसको भलीभांति प्रकार से जानते पहचानते हैं, वक्त जरूरत पे हम इसको कोर्ट में हाजिर कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें जमानतदार का नाम पता भरना होता है, और किस चीज पे जमानत ले रहा है अर्थात जिस भी धनराशि को कोर्ट ने अलाउ किया है कि 50,000 1,00,000 जो भी अमाउंट फिक्स किया है कि इतने ही राशि के दो जमानतदार, तो जो जमानतदारों की राशि होती है 1,00,000 अगर फिक्स डिपॉजिट है तो 1,00,000 खतौनी है तो उसपे भी 1,00,000 गाड़ी कोई है 1,00,000 मतलब 1,00,000 की जो जमानत आपने लिया है उसका क्या होगा कि मान लेते हैं कि अभियुक्त नहीं पता चल रहा है उसका, बार बार कोर्ट के बुलाने पर भी वो व्यक्ति कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहा है, तो फिर जमानतदारों का क्या दायित्व है, जमानतदारों का भी कोई दिक्कत हो सकती है उनको या नहीं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जब आप जमानत किसी भी आरोपी की लेते हैं तो सारी संपत्ति का डिटेल अपने, जिस भी संपत्ति पे आप जमानत ले रहे हैं, इन सब के अलावा क्या कागजात उसका लगा रहे हैं वो सब। तो अगर आरोपी नहीं अपीयर होता है तो पहले आपको कोर्ट बुलाएगी, कारण बताओ नोटिस जारी होगा, उसके बाद भी अगर आप उसे नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट को हैंडओवर नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे तौर पे आप ये समझिए कि जो आपकी जमानत राशि होगी वो जब्त कर ली जाएगी कोर्ट द्वारा। अगर मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं हो पाया, कोर्ट ऐसा नहीं कर पाई, तो समझिए कि जिस भी खतौनी पे मान लेते हैं कोई जमानत धनराशि ना दे के खतौनी लगाया हो खेत खलिहान की जो भी है उसके पास, तो वो भी जब्त कर लिया जाएगा, उस खतौनी को भी जब्त कर लिया जाएगा। कहने का ये मतलब जितनी धनराशि का आप जमानत लिए हैं उतना पैसा किसी न किसी प्रकार से कोर्ट आपसे वसूल कर लेगी। इसका प्रोविजन जो है सीआरपीसी की धारा 446 में साफ साफ प्रावधानित किया गया है। और आपको बता दें कि अगर जमानत जो राशि जब्त हो गई, इसका ये मतलब आरोपी की जमानत रद्द हो गई। अब जब जमानत रद्द हो गई तो उसका फिर एनबीडब्ल्यू जारी हो जाएगा। अब एनबीडब्ल्यू जब जारी हो जाएगा, अगर उसका अनुपालन हो जाता है तो ठीक है, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई बढ़ेगी, उसे भगोड़ा साबित करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर इन कंडीशनों पर भी उसे नहीं पाया गया। अब आपके हम प्रश्न पे आ जाते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की आपने जमानत लिया है और वो हाजिर नहीं हो रहा है, तो आपको बताते चलें कि जिस पर भी आपने जमानत लिया है आपसे उतनी रकम वसूल सकता है कोर्ट, 100% वसूलेगा। दूसरी बात ये कि आपको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। तो जमानत लेने से पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जमानत उसी व्यक्ति की लीजिए जिसे आप भलीभांति प्रकार से जानते हैं, और
या फिर खास तौर से आपके पास ये लायबिलिटी होनी चाहिए या आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जरूरत पड़ने पे हम उसको कोर्ट में अपीयर करा सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी व्यक्ति की जमानत ना लीजिए। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब।